नीचे से गाड़ी उड़। बिहार से ही है आप लोग? अच्छा, यहाँ पे घूमने के लिए या कहीं जा रहे हैं? स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और आज हम पहुंचे हैं कोइलवर ब्रिज पे, जो कि ये हम अभी जिस ब्रिज पे अभी हम लोग खड़े हैं वो नया वाला ब्रिज है। तो पानी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था सोन का, तो उसी को देखने के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे, उसका आनंद लेने के लिए। तो अभी शाम का समय हो चुका है, आप लोग देख रहे हैं पीछे में, बिल्कुल एकदम शाम का समय हो चुका है और बहुत बढ़िया लग रहा है। आप लोग को रोड का नज़ारा दिखा रहे हैं, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है सब। ये अभी हम लोग नए वाले ब्रिज पे हैं और कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से, देखिए आप लोग। और वो जो सामने में आपको दिखाई दे रहा है वो पुराना वाला ब्रिज है, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाया गया था वो वाला वो ब्रिज है, जो कि पुराना हो चुका है, जर्जर भी हो चुका है। तो अभी हम मतलब कि उसके ऊपर से केवल अभी ट्रेन ही जाती है, नीचे से गाड़ी उड़ी वगैरह सब बंद कर दिया गया है उसको, जो भी गाड़ी है वो सब यहाँ से जाती है। देखिए कितना बढ़िया नज़ारा आ रहा है। और यहीं पे इसी ब्रिज पे हम लोग अभी खड़े हैं और इस पानी को देखने मतलब कि जो बाढ़ आया है उसको देखने के लिए अभी हम लोग आए थे। और ये मेरा दोस्त है पीछे में, ये भी मेरे साथ है, तो आपको बाढ़ का नज़ारा दिखा रहे हैं कि कैसा लग रहा है। देखिए कितना पानी आ गया है, जो कि कभी ऐसे आइएगा तो उसमें पानी दिखाई बिल्कुल इस नदी में मतलब कि पानी ही नहीं दिखाई देता है। और अभी बाढ़ का समय आ गया है तो दूर दूर तक देखिए मतलब कि केवल पानी ही दिखाई दे रहा है, पूरा एकदम पानी ही पानी दिखाई दे रहा है चारों तरफ में। और ये शाम के समय का नज़ारा कितना बढ़िया यहाँ का लग रहा है, आपको अभी दिखा रहे हैं हम। सामने में एक बोर्ड लगा है जो कि कोइलवर का बोर्ड है, तो चलिए अभी आप लोग को लगातार दिखा रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और इसी ब्रिज पर अभी हम टहल रहे हैं, इसे ही देख रहे हैं, यहाँ के नज़ारा यहाँ का देख रहे हैं कि कैसा लग रहा है सब। और अभी यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं जो कि हमको लगता है कि टूरिस्टर हैं, काफ़ी दूर से आए हैं वो लोग भी, और यहाँ का आनंद ले रहे हैं, मतलब कि गाड़ी पे अपना बैग वगैरह सब बांधे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग भाई लोग? बिहार से ही हैं आप लोग? अच्छा, यहाँ पे घूमने के लिए या कहीं जा रहे हैं? राजगीर गए थे। अच्छा, राजगीर गए थे, वहाँ से घूम के यहाँ पे आए हैं। अच्छा, आप लोग साथ ही में हैं सब लोग? अच्छा, देखिए भाई लोग अभी राजगीर से घूम के अभी बाइक से ही ये लोग आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग तो बिहार से ही हैं, हम लोग दानापुर गए थे। अच्छा, दानापुर। हाँ, तो अभी यहीं पे ब्लॉग शूट कर रहे थे तो आप लोग को देखे कि यहाँ पे आप लोग गाड़ी रोक के खड़े हुए, तो हमको लगा कि आप लोग कहीं दूर से ही आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मिल के। रहने वाले हैं, राजगीर मेला घूमने गए थे। अच्छा, यूपी से हैं आप लोग? अच्छा, राजगीर मेला घूमने गए थे। अच्छा, अभी आप लोग को देखे कि यहाँ पे आप लोग रुके तो सोचे कि थोड़ा मिल ले आपसे। तो चलिए, ये भाई लोग जो है वो यूपी के रहने वाले हैं और ये लोग राजगीर मेला घूम के वहाँ से आ रहे हैं। अभी हम लोग देख हम मतलब कि यहाँ पे खड़े थे तो देखे कि ये लोग अपना चार बाइक लिए थे और अपने गाड़ी पे मतलब कि सामान वगैरह सब बांधे हुए थे ये लोग, तो सोचे कि ये लोग भी, हमको लगा कि ये लोग पर्यटक हैं, कहीं से घूमने आए हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं। तो उन लोगों से बात किए अभी तो ये लोग बता रहे हैं कि राजगीर से घूम के आए हैं। और ये देखिए शाम के समय में कोइलवर ब्रिज का नज़ारा कितना बढ़िया आ रहा है। और यहाँ पे तो हम लोग घूम लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं, एक फेमस लिट्टी चोखा का दुकान है जो कि सकरडी में है, तभी उस दुकान पर हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ का नज़ारा आप लोग को दिखाएँगे। चलिए मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। हम लोग दुकान के अंदर आ गए हैं लिट्टी चोखा वाला और हमारा थाली भी निकल के आ गया है, चलिए आप लोग को दिखा रहे हैं अभी। और ये आ गया है हमारा लिट्टी और ये चोखा और ये है प्याज और ये लेके आए हैं और यही है दुकान, ये कुछ ऐसे इशारा कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसको चखते हैं कैसा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया है लिट्टी और चोखा, सांस में स्वाद के तौर पर प्याज है। तो यही है ढाबा मतलब ये दुकान और इसी पे हम लोग आए थे लिट्टी खाने के लिए। और यहाँ का मशहूर है पेड़ा, जो कि पेड़ा भी हम लोग चखे बहुत बढ़िया लगा। और ये लोकेशन है सकरडी का, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है।